मेरे सभी किसान भाइयों, मैं कृषक मित्र को भी, कृषक जगत को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारे किसानों को इजराइल यात्रा के लिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में जो काम इजराइल में हुआ है, तो हमारे यहाँ तो कंपैरेटिवली फिर भी मोबाइल मिल रहा है, किसी का मोबाइल मिल रहा है, हमारे यहाँ तो पानी फिर भी है, इजराइल में तो उतना पानी भी नहीं है, तो एक एक बूंद पानी का सही उपयोग कैसे हो सकता है, ये तकनीकी दुनिया को अगर कहीं से सीखना चाहिए तो वो इजराइल से सीखना चाहिए। एक एक बूंद पानी का उपयोग, ड्रिप इरिगेशन की जो उनकी पद्धति है, वहां तो मैंने ऐसा संयंत्र भी देखा कि जो ड्रेनेज का पानी है, सीवेज का जो पानी है, उसको वो फिर से शुद्ध करके, और वही उनका वो पूरा का पूरा वो प्लांट लगा हुआ था एक तरफ से बिल्कुल मल वाला जो पानी, हमारे सामने उन्होंने पी के बताया इसमें कुछ है, हम दुनिया को बताया और दुनिया में जो अच्छा हो रहा है वो हम लेके आए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, किससे, जैसे एक साथी ने बताया कि मेरे लिए तो लाभ का धंधा है ही है, अगर हम अच्छी तकनीकी से, आधुनिक तकनीकी से अनेकों कदम उठे हैं, उठाए हैं, उसके विस्तार की आज आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपने अच्छा फैसला किया, कृषक जगत को भी धन्यवाद, इजराइल जाइए, क्रियान्वित कीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे अपने प्रदेश को उन्नत बनाने की किसी भी क्षेत्र में, निश्चित तौर पर। देखो लोग देख के प्रयास है आपके, और अच्छी प्रगति देखी, हम 250 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहे थे, इस वर्ष एक ही लक्ष्य रखा है 1000 क्विंटल गन्ना हम लोगों ने हरदा जिले में पैदा करके रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि एक बार हरदा अब और आए और हम लोगों का।